गणेश जी महाराज, इसके अंदर सूर्य नारायण भगवान, इसके अंदर भगवान विष्णु, इसके अंदर देवाधिदेव महादेव, ये पंच देव शंकर भगवान की पंचायत इस सिंदूर की लकड़ी की डब्बी के अंदर रहती है। इसके अंदर जो सिंदूर भरा जाता है, इन पांच की साक्षी रखकर मांग में जाता है, जिससे नारी का सौभाग्य अखंड होता चले जाता। अब अरे गुरु जी, ये तो ओल्ड फैशन, इसलिए लोग आजकल वो लकड़ी का डब, कितने लोग हैं आप लोग आपके कमरे में जिसमें तुम तैयार होती हो? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। हो हम भले तुम्हारे पर जाकर देखे नहीं, पर ईमानदारी से बोलना, तुम जितनी बैठी हो ना, इसमें से कम बस 2-4% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में तैयार होने वाले कमरे में लकड़ी के डब्बे में सिंदूर है। बाकी के जितनी बैठी हो ना, सब वो प्लास्टिक की डब्बी से। थोड़ा उसके महत्व को समझो। बोला बीजी जी, कितनों के घर में रखा? झूठ मत बोलना, ही हो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, सत्य बताओ, कितने लोगों के यहाँ रखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मेरी मम्मी की देन है, हाँ ऐसी गोल मटकी है, ऊपर ऐसे ढक्कन रखे हुआ, लोग खोले एकदम ढील होता है। समझ गए, पहले था उठा दिया, 12:30 का मतलब हम समझते हो, रखना है। गुण चना सुहागवती नारी की झोली में इसलिए दिया जाता है कि जो सुहागिन में बैठी है इसकी गोदी संतान से भी भरी रहे, और इसके जीवन में कितनी भी जिंदगी में कभी भी दुख आए तो गुड़ जैसी मिठास इसके जीवन में हमेशा बनी रहे, हमेशा। सिंदूरे का महत्व अपने जीवन में उतारिएगा। ज्यादा फैशन में हम पहले भी कहे, दो चीजें अपने को बर्बाद कर देती है, एक फैशन, दूसरा व्यसन। ज्यादा फैशन भी हमको बर्बाद कर देगा और ज्यादा व्यसन भी हमको बर्बाद कर देगा। इन दो चीजों से बचने का प्रयास करिए। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रहे, भारत असुर का संहार करने के लिए श्री सदानंद कार्तिकेय जी सम्मुख आते हैं। पार्वती जी कह देती हैं, तारकासुर इस तारकासुर को, कार्तिकेय इस तारकासुर के हृदय में शिव का वास्ता है, इसलिए इसके प्राणों को हृदय से ना हरा। भगवान तारकासुर को बाणों से छेदित करते हैं, पर हृदय में पानी नहीं छोड़ते। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से तारकासुर का संहार होता है। षडानंद कार्तिक के आनंद से विराजमान होते हैं। भगवान अशोक सुंदरी और उन्नतेश्वर महादेव पधार रहे हैं, जोर व ताली बजा का स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मैनपुरी से महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरि हरानंद जी महाराज जी को, जिनके यहाँ पर रोज प्रतिदिन बटुक ब्राह्मणों द्वारा कड़ी और खिचड़ी का प्रसाद बनाया जाता है, और सुबह 3 बजे से उठकर इन गुरुजी के शिष्यों द्वारा कड़ी खिचड़ी बनाकर यहाँ भक्तों को वितरित करी जाती है। जोरदार ताली बजाएं मैनपुरी से महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद जी महाराज जी, उनके पावन चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव औघड़दानी की कृपा से 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दशहरा मैदान हाई स्कूल तिल्डा नेवरा छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी, जिस कथा का नाम कावड़ शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। सभी भाव